हेलो, आई स्नेहा सिंगल वेलकम यू ऑल टू आवर स्पेशल प्रोग्राम VTV एडुक्वेस्ट। इन दिस प्रोग्राम वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एडुकेशनल इंस्टीट्यूट, देयर फंक्शनल एक्टिविटीज, देयर स्पेशलिटीज एसेट्रा। एडुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स नॉट ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूट, बट इट इंक्लूड्स फॉर्मल, इनफॉर्मल, वोकेशनल, प्रोफेशनल, इवन हेल्थ कंसर्निंग इंस्टीट्यूट टू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ लर्निंग सेंटर। हेलो, आई स्नेहा सिंगल वेलकम यू ऑल टू आवर स्पेशल प्रोग्राम VTV एडुक्वेस्ट। इन दिस प्रोग्राम वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एडुकेशनल इंस्टीट्यूट, देयर फंक्शनल एक्टिविटीज, देयर स्पेशलिटीज एसेट्रा। एडुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स नॉट ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूट, बट इट इंक्लूड्स फॉर्मल, इनफॉर्मल, वोकेशनल, प्रोफेशनल, इवन हेल्थ कंसर्निंग इंस्टीट्यूट टू। टुडे ऑल्सो टॉक विद अ फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस ट्रेनर। So let's go and watch. Today we will not move or go anywhere. We will sit in our studio and talk with the Mr. Ramjoy Dash, the fitness trainer and self-defense trainer of Kosho Association of Assam, the state in charge. We will talk with him and we will know about the fitness and the self-defense training and the training purposes. आइए बात करते हैं मिस्टर रामजोय दास से, जो फिटनेस कम सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं। हेलो सर, प्लीज हमें अपने अचीवमेंट्स और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में तो जो मार्शल आर्ट मैंने स्टडी किया हुआ है, क्योंकि 99 से सिलचर में पहले सीखा हूँ, जो न्यू कुंग फू मार्शल आर्ट अकादमी था, जो तब उस टाइम पे मेरा जो कंडीशन था बहुत ख़राब था। जैसे मैं चीज़ मास्टर के पास मैंने सीखा था, मतलब फीस दे 200 देने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस टाइम भी मैं पेपर देता था साइकिलिंग से, और पेपर दे तब मैं क्लास 10 में था। तो उस टाइम पे पेपर देके मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 आवर्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कंपो प्रैक्टिस करता था। उस टाइम पे 500 मुझे मिलता था, मतलब पेपर सैलरी मिलता था मंथली में। तो उसी से स्ट्रगल करके मैं बाद में सोचा थे, फिर मैंने खुद सोचा है अगर मेहनत नहीं करूँगा तो कैसे बन पाऊँगा, और मेरा भी पीछे में कोई बैक नहीं देने वाला, मतलब कोई हेल्प करने वाला मेरे पास जो रिलेटिव वो भी नहीं है। तो मैं खुद सोचा मैं खुद बनना है मुझे, क्योंकि मार्शल आर्ट एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। 2002 में नौगांव में खेला था, गोलपड़ा आसाम में, उसमें मैंने गोल्ड लिया था। तो उसी टाइम से मैं स्टडी करके फिर सीखा। मेरा जो मास्टर था और न्यू कुंग मार्शल आर्ट अकादमी का, तो उन्होंने मुझे सिखाया। फिर भी वो 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद चला गए थे, मणिपुर से आए थे सर। तो उस टाइम मैं टीचर भी नहीं था, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, फिर बहुत मैं टेंशन में था। तो बाद में सर ने इसको मुझे बनाना है, फिर मैं मास्टर के पास गया मणिपुर में, जाके थोड़ा दिन ट्रेनिंग किया, बाद में मास्टर को मिला है। उसके बाद फिर 2005 में मैंने ब्लैक बेल्ट लिया न्यू कुंग फू का। तो मैंने 2006 में मैं स्टडी किया साउथ पुणे और केंद्रीय विद्यालय सिलचर तारापुर, उसमें मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल का बेसिक मुझे मिला था। तो 2005 ब्लैक बेल्ट एंड 2006 एंड जॉब किया था, एक कॉन्ट्रेक्चुअल था। तो उसमें स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट के लिए मैं ट्रेनिंग किया था उसमें स्कूल में। तो उसे करने के बाद तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस मिला है, तो मैंने सोचा नहीं उसको और आगे लेके जाना है। तो सिलचर में तो इतना अच्छा वाला भी ट्रेनर मास्टर नहीं था, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था कंफू सीखने का, तो कंफू का मास्टर तो आपको ये जो मतलब ट्रेनिंग जो सीखना था, आपको जो ये इच्छा हुआ, तो मतलब वो आपको कहाँ से ये मुझे आया कि आपको खुद का फील हो रहा है? मुझे बचपन से शौक था मैं मार्शल आर्ट सीखूँ। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट में मेरे पास बैट किनने का इतना पैसा, महंगा पैसा कहाँ से आएंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले इस पर फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, इसमें लड़की लोगों का फिटनेस के लिए सीखना जरूरी है। तो मेरा मन में आया था मुझे कुछ बनना है, तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं कहाँ से करूँगा। तो मैं सोचा नहीं, मैं मार्शल आर्ट से बनाऊँगा, ये एक सेल्फ डिफेंस के लिए तो फ्यूचर में कुछ कर पाऊँगा। तो मैंने उसी करके बाद में ये ट्राई किया, कुछ करते करते 2005 आ गया, तो मैं प्राइवेट क्लास शुरू किया। अदोचा स्कूल में था, अपना खुद का प्राइवेट क्लास स्कूल खुला है। उस टाइम मेरा कोई जॉब भी नहीं था, तो मैं उसी से मेरा प्रोफेशनल बनाया। तो फिटनेस के लिए बनाऊंगा तो फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं उस टाइम कोई मौका नहीं था हम लोग को कंपटीशन बाहर जाने के लिए कुछ लाने। तो बाद में मैं स्टडी करते करते 2007 क्लास किया अदोचा स्कूल से, सिखा रहा बच्चे लोगों को, फिर आते थे, लेकिन बाहर जाने का कोई लाइन मौका नहीं था। तो मैं इसको और ऊपर लेके जाऊँ,
आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि आपने जैसे बोला कि विथ ऑल हर्डल्स, आपने जैसे विथ योर 500 इनकम यू हैव स्टार्टेड ए कोचिंग सेंटर एट अदरचंद स्कूल, सो हाउ डू यू एडवर्टाइज योर अबाउट द मीन्स योर सेट अप सेंटर देयर, सो उसने उसको आपने एडवर्टाइज कैसे किया, हाउ यू गेट द स्टूडेंट्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। पहले तो 500 से मैं क्या खुद सीखता था उस टाइम पे, तो ब्लैक बेल्ट टाइम इतना पैसा भी नहीं था, ब्लैक बेल्ट हो गया कस करके लिया ब्लैक बेल्ट, तो उस टाइम पे क्या तो एडवर्टाइज करने में मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने खुद एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था कभी, न्यूज़पेपर में देने का मुझे भी मौका ना, कोई जान पहचान भी नहीं था जो मैं न्यूज़पेपर में दूँ, तो मैंने ऐसा ही करते करते लोगों को बोलते बोलते कला भैया जान पहचान कोई दोस्त लोग होता है वो लोग भी क्या हो, तो ऐसा ही बोर्ड लगाता था पहले, तो स्कूल में करा था बोर्ड परमिशन था, तो वहाँ मैं कराता था, आदमी लोग देखता था आते जाते, उसी से मेरा जान पहचान बढ़ गया। तो अभी 2009 में मैं वुशु का आया था जो पूरा गवर्नमेंट है, तो गुवाहाटी में मैं ऑफिशियल लिया था, तो वुशु खेलने से क्या होता है उसमें बेल ग्रेस सिस्टम नहीं था, बच्चा लोग इंटरेस्ट नहीं होता है जो मार्शल आर्ट खेलेंगे वो, तो उसमें मैं 2 साल तक काम किया उधर में, गुवाहाटी का हेडक्वार्टर है हम लोग आसाम के लिए, तो मैं काम किया था, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जो कंफू में ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ तो उसमें बेल ग्रेड नहीं है, वुशु खेल के क्या करेंगे, तो बाद में मैं वुशु भी छोड़ दिया था। अभी वुशु क्या है वो थोड़ा सा बताइए। वुशु में चाइनीज मार्शल आर्ट ही है जो इसमें क्या होता है थ्रोइंग ग्रिपिंग सब कुछ होता है, तो वुशु पहले क्या था बेल ग्रेड सिस्टम है, आजकल क्या बच्चे लोगों को बेल चाहिए, तो वुशु में क्या था बेल ग्रेड सिस्टम है, आप खेलते जाओ खेलते जाओ अच्छा है, पूरा गवर्नमेंट है सेंट्रल के लिए ओलंपिक तक है वो गेम, तो बाद में देखा बच्चे लोगों को क्या बेल ग्रेज चाहिए, तो जो बच्चे लोग बेल ग्रेज चाहिए उसको तो वो वुशु नहीं खेलेंगे, तो मैंने सोचा नहीं अभी जो दूसरा चीज़ करता हूँ जिससे बेल ग्रेज भी होगा और फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टडी होगा वो करने से मेरा भी बेनिफिट होगा, तो मैं 2011 में जो मेरा मास्टर था लेस्ली सर, मेरा सीनियर है, मेरा मास्टर नहीं, मेरा मास्टर तो दूसरा है, तो उन्होंने मुझे लाइन दिया था कुशु, जो अभी कुशु का मैं स्टेट का इंचार्ज हूँ, ये कुशु आने के बाद मेरा प्रोफेशनल और भी बढ़ गया, क्योंकि मेरा जो स्टडी है अभी इंटरनेशनल जाने के लिए पूरा लाइन है, क्योंकि मैं 2000 में शिमला में गया था मेरा स्टूडेंट लेके, तो उसी में थोड़ा बहुत अच्छा मेडल आया हुआ है, तो उसी से करने के बाद कुशु में आ गया, फिर कुशु में स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था आपका जब सेंटर जब आपने स्टार्ट किया तब कितने स्टूडेंट थे और आज के दिन में आपके कितने स्टूडेंट? पहले तो 15 स्टूडेंट था, 15 सिर्फ स्टूडेंट है, तो उस टाइम पे अभी तो स्टूडेंट मेरा 30-40 ऐसा स्टूडेंट है सिर्फ प्राइवेट में, और स्कूल में भी कराता हूँ जैसे डॉन बॉस्को स्कूल, मैं 4 साल से डॉन बॉस्को में मार्शल आर्ट टीचर हूँ, अभी 5 साल हो गया, तो डॉन बॉस्को स्कूल इवनिंग स्कूल जो बच्चा लोग है तो वहाँ का क्या इवनिंग बच्चा लोग है, 2014 में कलकत्ता में गया था 4th नेशनल एंड कुशु कंफू चैंपियनशिप जो हम लोग का फेडरेशन करता है उसी में गया, तो वहाँ से बच्चा लोग मेडल काफ़ी मेडल आए थे, और फिर हम लोग गया गोवा में मस्पा गोवा इस 15 नेक्स्ट ईयर, तो 2015 में, तो वहाँ में क्या होगा आपका 13 स्टूडेंट गया 13 मेडल है, क्योंकि हम लोग का तवलू वगैरह वेपन्स का होता है, फ्री एंड का होता है, फाइट का होता है, तो इसी में मिला के मेडल आया, तो इसी में क्या हो गया स्कूल का जो फादर है वो खुशी हो गया, क्योंकि बच्चा लोग इंप्रूव हो रहा है मार्शल आर्ट पे, तो इवनिंग स्कूल नॉट डॉन बॉस्को स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल का अंडर में इवनिंग स्कूल है जो बदर रेजी है उन्हें बहुत हेल्प करता है बच्चे लोग के लिए, सोशल वर्क भी कर रहा है, तो उस टाइम पर गया अभी क्या स्कूल में कंपलसरी हो गया, तो मेरा एक जगह क्या फिक्सड हो गया, डॉन बॉस्को स्कूल जो है वो मेरा एकदम अभी फिक्स एक स्कूल हो गया, जो डॉन बॉस्को स्कूल में प्रोफेशनल हो गया अभी कंपलसरी हो गया, डॉन बॉस्को में वो लोग ने एकदम मतलब फिक्स किया अभी एज ए क्लास, वो लोग ने एक क्लास ही रख दिया है कंपलसरी अभी, हां क्लास किया है अभी जैसे कंपलसरी बच्चे लोग मार्शल आर्ट सीखना है। ओके, तो सर आप हमें ये भी बताइए व्यूअर्स को कि अदर देन डॉन बॉस्को स्कूल आप कौन से स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं? तो फर्स्ट मेरा क्लास डॉन बॉस्को इवनिंग स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल एंड डॉन साउथ पॉइंट स्कूल एंड विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय रामनगर में है जो, और साउथ पॉइंट स्कूल नेशनल हाईवे में, और मैं नया ज्वाइनिंग किया हुआ, और बीकेबी में तो 2 साल हो गया वहाँ में, साउथ डॉन बॉस्को स्कूल में 5 ईयर्स। सो आपको भी अगर कहीं पे जाना हो तो सर हमें साउथ पॉइंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल प्लस डॉन बॉस्को स्कूल में मिलेंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, आप हमें थोड़ा सा अपने एक्चुअली आपने हमें बताया कि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के, तो उसका आजकल के मतलब जैसे हमें देखा है कि पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द हेल्थ इश्यूज़ को लेके, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आजकल क्या नीड है, जैसे बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न है अबाउट हेल्थ एंड सेल्फ डिफेंस, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं सभी का दर्शकों को बोलूँगा कि फिटनेस और सेल्फ डिफेंस आजकल ज़रूरी है, खास करके लड़की लोगों के लिए फिटनेस ज़रूरी होता है, फिटनेस और सेल्फ डिफेंस चाहिए, क्योंकि आजकल जो ज़माना हो रहा है हम लोग का इंडिया में हो, बड़ागली हो, कहीं भी हो, लेकिन फिटनेस ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल हम लोग क्या होता है बच्चे लोग भी देखिए कंप्यूटर हो गया सब कुछ आजकल
पहले से बहुत इंप्रूव हो गया, लेकिन क्या है बच्चे लोग कुछ करते नहीं, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर में बैठते हैं, लैपटॉप हो गया बैठते रहता है, कुछ काम भी नहीं करते। पहले तो फिर भी आउटडोर गेम्स खेलते थे, लेकिन आजकल तो आउटडोर्स भी नहीं रहा, मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स ही है, उसी पे खेलते हैं सब लोग। तो इसके लिए मतलब अभी थोड़ा टाइम भी निकल के पेरेंट्स लोग अगर इंटरेस्ट होता है कि फिटनेस के लिए मेरे बच्चों को घर आएंगे तो फ्यूचर के लिए क्या होगा, ये बीमार कभी नहीं होगा। मेन तो मार्शल आर्ट जो होता है, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स होता है। फिटनेस के लिए मुझे बीमार कभी नहीं होना है, उसको मुझे बदन को फिट रखना, हल्का हो लेकिन स्ट्रॉन्ग होना अंदर से। तो मार्शल आर्ट में ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई भी बच्चा ठीक से करेंगे, कंटिन्यू करना, जैसे खाने में हम लोग खाते हैं, मैंने प्रोफेशनली मैं एक्सरसाइज करते रहूँगा कंटिन्यू जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, तब क्या होगा आपका फिटनेस भी रहेंगे और सेल्फिडेंस में आएंगे और आपका सुस्त भी रहेंगे, कभी बीमार भी नहीं होगा। कोई बच्चा देखो आप बाहर जा रहे, थोड़ा बारिश हो गया, भीग गया तो सर्दी बुखार हो जाता है। फिटनेस के लिए ज़रूरी है आजकल, क्योंकि फिटनेस करेंगे तो अच्छा है, कोई कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहूँगा, कोई बोल सकते हैं अब मास्टर टीचर है इसके लिए वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, खुद के आप पढ़ाई भी कर रहे हैं खुद के लिए हो, खुद फ्यूचर में बढ़ोगे। तो मार्शल आर्ट भी सेम है, हम लोग भूटान गया और कौशुकम्फू एसोसिएशन ऑफ ये ने किया था भूटान में, तो इस बार बच्चे लोग अच्छा मेडल है, तो इससे क्या बच्चे लोग का उत्साह बढ़ रहा है, तो गर्जी पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड है। और अभी क्या है देखो, मेरा प्लान है फ्यूचर में मुझे जाना है बाहर, अभी मैं चाइना जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हम लोग का कुशु फेडरेशन से मैं चाइना के लिए सिलेक्शन लेटर भी मेरे पास आ गया, मैं सब कुछ फिक्स हो गया, अभी अभी सिर्फ चाइना जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मैं पहले कहा था स्टेट खेलूँगा, नेशनल खेला, मैं कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि मैं जाके इंटरनेशनल चाइना देख के आऊँगा, क्योंकि मैं अभी चाइना जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ ये फेडरेशन कुशु जो स्टाइल है ये इंडिया में अभी 4 साल से आया, लेकिन ये बहुत स्टडी है वर्ल्ड कुशु फेडरेशन के अंदर में, क्योंकि ये वेबसाइट चेक करने से आपको मिल जाएंगे हमारा फेडरेशन क्या काम कर रहा है, इसमें आपको पूरा डिटेल्स है। तो अभी क्या इससे मौका मेरा कहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, और इंटरनेशनल जाके अभी जो मैं चाइना जाने वाला हूँ वहाँ से 35 कंट्री आने वाला है, तो वहाँ में मैं जो खेलूँगा, हार जीत तो होता है लेकिन टफ है, इसमें मेडल्स के लिए फिर भी मेरा कोशिश है मैं चाइना जाके, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ में आकर मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे पाऊँगा, और यहाँ का जो टॉप टॉप मास्टर आएंगे मुझे बहुत सारे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो वहाँ से वही है। और सबसे बड़ी फिटनेस के लिए जो आपने बोला है फिटनेस पे, मैं चाहता हूँ कि घर में हर घर घर में जो होता है लड़की लोगों का, मैं खास करके बोलूँगा जो माँ बहन लोग होता है उन लोगों को मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है, कोई उम्र नहीं होता है, सिर्फ 5+ एंड अबव। सो सर प्लीज़ हमें अपने व्यूवर्स को थोड़ा कुछ डाइट्स के बारे में भी थोड़ा बताइए कि व्हाट दे शुड मेंटेन इन डाइट। डाइट जैसे होता है, जैसे अभी जिसका ज़्यादा चर्बी है वो तो घी बटर नहीं खा सकते, जो लाइट फैट वाला चीज़ है वो नहीं खाना है, बाकी सब खा सकते हैं डाइट में खाना है। और थोड़ा जैसे कोई जिसका ज़्यादा फैट है तो रात को रोटी खाना है, एक रोटी या दो रोटी, और ज़्यादा वेज खाना है जब वो खाना है, बाकी तेल मसाला जो होता है जो हम लोग ऑयल ज़्यादा खाते हैं वो नहीं खाना है, कम खाना है। तो इसलिए तेल कोई कोई होता है तेल बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो मसाला भी थोड़ा कम खाना है। तो इसी में डाइट खुद को मेंटेन खुद करना है, कि इसमें कोई नहीं ये नहीं खाना है, जो ज़्यादा चर्बी होता है उसको थोड़ा घी बटर नहीं खाना है, ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है, मसाला भी थोड़ा ज़्यादा कम खाओ, लेकिन थोड़ा वो मेंटेन करके चलने से अच्छा होगा, बाकी एक्सरसाइज मेंटेन। जैसे हम जानते हैं कि आजकल वर्किंग पीपल आर वेरी मच कंसर्न, जैसे उनको भी है कि उन्हें भी करना है, उन्हें भी मेंटेन करना है, डाइट बोले चाहे एक्सरसाइजिंग बोले, तो उनके लिए आप क्या मतलब बताएंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी विद द शेड्यूल, तो उनके शेड्यूलिंग के हिसाब से वो लोग डाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ बताइए हमें। मेंटेन नहीं कर पाने से तो एक्सरसाइज थोड़ा हार्ड करना पड़ेंगे, नहीं लाइक दे शुड कैरी समथिंग इन एट देयर ऑफिस सो दैट दे कैन ईट एंड हैव एट ऑफिस ओनली, आप कुछ ऐसा कुछ टिप्स देंगे हमें। टिप जैसे उनको अभी तो जैसे गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के टाइम में जूस टूस ज़्यादा पीना है, और जैसे अभी उनको टाइम ही नहीं कुछ करने, तो खुद थोड़ा सा तो खुद मेंटेन करना, हेल्थ ड्रिंक्स हुआ या कुछ फ्रूट्स या कुछ जूस, फ्रूट्स से जैसे आपका जो चॉइस है, जैसे जो चीज़ खाने से आपका प्रॉब्लम है तो वो नहीं खाना है, अब तो खुद मालूम होगा मैं ये खाने से मेरा ये गैस हो जाता है या कुछ होता है, तो वो चीज़ नहीं खाना, आप खुद देखना है मेरा कौन सा चीज़ खाने से मेरा बदन में मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, जो चीज़ खाने से नहीं होगा वो तो आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं पहले भी बोला ऑयली चीज़ नहीं खाना है। बट वो जैसे कोई होता है आजकल बाहर जाने से, जैसे बच्चा लोग सोचिए चिप्स वगैरह खाते रहता है, वो सब खाने से पेट तो नहीं बढ़ता है, उससे ज़्यादा अगर जूस खाएंगे तो अच्छा है, प्रोटीन तो मिलेंगे, अगर मैं एक बच्चा चिप्स खाएंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो मम्मी उसका पीछे में बार बार रहता है खाओ खाओ बोल के, लेकिन खाता नहीं, लेकिन थोड़ा भी फ्रूट पियेंगे ना तो उसका बदन में थोड़ा जाएंगे, तो बेस्ट है थोड़ा ज़्यादा खाना है, मीट भी बीच बीच में खाना है और वो खाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वही करना पड़ेगा आपको। मतलब तो सर का यही बोलना है कि आप चिप्स तो खाइए साथ में, आप जूस प्रॉपर फ्रूट्स भी साथ में लेते रहिए। सो सर इस फील्ड में
फ्यूचर क्या है स्टूडेंट्स का या फ्यूचर क्या है उसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बताएं। भी फ्यूचर है अगर ठीक से आप करोगे, पैसा तो खुद का ही लगते हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं देने वाला, हम लोग जो करते हैं खुद का पैकेज से जाता है, कोई कोई देता है हेल्प थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ करना, प्रॉपरली मास्टर बनो, क्योंकि इससे में एक क्या आता है, आपको इज्जत आएंगी। जैसे मैं डॉन बॉस्को स्कूल में करा रहा हूँ, जो भी आता है क्योंकि रेस्पेक्ट मिलता है बहुत। आप तो हमारे सिलचर के बराकवेली के व्यूवर्स को क्या बोलेंगे कि उन्हें फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए और उन्हें फिट रहने के लिए ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए दो लाइन में ऐसा ही बोलूँ। बराकवेली के लिए मैं भी बराकवेली का आया हूँ, तो यहाँ में मेरा जन्म हुआ है सब। तो सबसे पहले हम लोग का सोच को बदलना पड़ेगा, खुद सोच। ओके, थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग विथ यू। सो दिस इज मिस्टर रामजॉय दास, the fitness cum self-defense trainer. From him we came to know so many tips, so many diet tips, so many self-defense tips to be fit and to grow your mind, mentality, to send your kids to the self-defense trainer and make them self-defense free. Thank you. So here we have talked with the fitness and self-defense trainer. Please share your valuable feedback about the program through your mail. Our mail ID is vtvedquest@gmail.com or you can call us at 9401543245. Thank you.